अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे क्रिस्पी डोसास। ये देखिए, ये 250 to 300 ग्राम्स आप में माश की दाल है, तो ये हिसाब से लीजिए आप। जैसे कि देखिए, आप इतनी दाल लिए ना, तो इसका एग्जैक्ट डबल क्वांटिटी अपन चावल लेंगे। ये देखिए, नॉर्मल चावल है, आप कौन से भी ले सकते हैं। इस तरह से डबल क्वांटिटी ले लीजिए। लेके इसको अच्छे से वॉश करके, दोनों मिक्स करके वॉश करके अपन ओवरनाइट पूरा इसको फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। अभी हम इसको अच्छे से वॉश करके पानी में भिगाएंगे। आप चाहे तो डबल आप चावल भी ज़्यादा ले सकते हैं। मैं और एक हाफ कप डाल दे रही हूँ। देखिए, 250 ग्राम्स में करीब करीब में 750 ग्राम से भी ज़्यादा आपको चावल ले ली मैं। वैसे आप ले सकते या डबल क्वांटिटी एग्जैक्ट मेजर करके भी ले सकते, लेकिन दोषों के लिए चलता, दोनों बराबर नहीं भी रहा तो चलता। थोड़ा कम चावल ज़्यादा होने पर प्रॉब्लम नहीं होती, आपको क्रिस्पी ही बनते। ये माश की दाल से एक्चुअली टेस्ट अच्छा रहता, तो इसीलिए बराबर क्वांटिटी में यूज़ करते। अदरवाइज़ आप एक कप माश की दाल, 3 कप चावल भी ले सकते इस तरह से। लेके आप अच्छा वॉश करके, एक 3 to 4 hours सोक करके, आप चावल ये अच्छे से गर्म होने के बाद, अच्छे से अच्छे से भीगने के बाद, तब आप इसको वॉश करके रखिए, सोक करिए। 3 घंटों के बाद अपन देखेंगे इसका लुक, फिर मैं बताऊंगा आपको 3 घंटों के बाद अच्छे से ग्राइंड करके। देखिए, अपने चावल और दाल अच्छे से भीग गए। पानी पूरा ड्रेन कर लीजिए। ड्रेन करके इसको अच्छे से एकदम वेलवेटी टेक्सचर में ग्राइंड करिए। ज़्यादा दरदरा करने से आपको डोसा का टेक्सचर बहुत ही मतलब चावल चावल आएगा। सो आप लोग ग्राइंड करते वक्त बहुत ही एकदम बारीक और सॉफ्ट ग्राइंड करिएगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करके आगे का बताऊँगा आपको। 4 घंटे बोल के नहीं, देखिए आपकी दाल और चावल अच्छे से डबल हो जाते, तो तब आप लोग ग्राइंड कर ले सकते। माशाल्लाह, देखिए अपना अच्छे से रेडी हो गया बैटर। देखिए, इतना स्मूथ चाहिए आपको। आप देख सकते, कोई लम्स ना, कोई दाल के या चावल के निशान, जस्ट इस तरह से आपको सॉफ्ट आ रहा ना। देखिए आप लोग, इस तरह से आप बैटर रेडी करके ओवरनाइट आप इसको फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिए। ये फर्मेंट हो जाएगा मॉर्निंग तक। माशाल्लाह, 2 to 3 inches तक तो रेज होगा ही होगा, आप रखने के टाइम पे डिपेंड है। अगर आप मगरिब में अगर आप चावल और दाल भिगाएंगे, तो आप रात के 10 से 11 बजे के टाइम पे आप अराउंड पीस लीजिए। पीस के सुबह आप 8-9 बजे तक या फिर 6 बजे भी आप डोसा डाल सकते। ज़्यादा देर रखना, 12 hours रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट 7 to 8 hours अगर रेस्ट हो गया आपका बैटर, तो माशाल्लाह से अच्छे से क्रिस्पी डोसे आएंगे। इसमें और कुछ नहीं मिलाना है अपने को, ना सोडा, ना पोहा, फेनिग्रीक सीड्स जो आते, देखिए मेथी दाना बहुत लोग यूज़ करते इडली में, डोसे में, मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन फिर भी क्रंची और माशाल्लाह बहुत टेस्टी रहते। आप बना के देखिएगा मेरे मेथड से। बहुत ईजी एंड सिंपल कुकिंग आयशा के स्टाइल में आपको मॉर्निंग में मैं डोसे बना के बताऊँगा, हरीरा और चटनी के साथ सर्व करके। मेरा हरीरा तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है मेरे, और चटनी भी 2 to 3 varieties के चटनीज में ऑलरेडी अपलोड करके रखा। सो आप लोग कोई भी चटनी के साथ सर्व करिए। और इंशाल्लाह मेरा गन पाउडर भी आने वाला है, अभी आजकल में मैं अपलोड करूँगा, वो भी आप लोग बनाकर इस तरह डोसा इडली किसी में भी बना सकते। ये देखिए, बैटर आपको 3 to 4 दिन तक आराम से रेफ्रिजरेटर में स्टोर रहता। मैं तो 1-1 week रखता हूँ। मैं अप्रॉक्स आपको बोल रहा हूँ 3 to 4 days खट्टा हो जाता बोलते, लेकिन खट्टा वट्टा कुछ नहीं होता। अभी अपन इसमें सॉल्ट ये वो कुछ नहीं डाल रहे, तो आपको जब भी बनाना है इसमें से हाफ ले लेके सॉल्ट मिक्स करके आप तब का दब बनाएंगे, तो आपके बैटर 2nd or 3rd day खट्टा नहीं होता। आप पूरे बैटर में सॉल्ट मिक्स करके रात ओवरनाइट रख के दूसरे दिन यूज़ करेंगे, फिर 3rd day यूज़ करेंगे बोले तो खट्टा हो जाता। सो जब भी बनाना है आपको, जितना क्वांटिटी बनाना है वो ले लेके आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करिए। इसके साथ में आप हरीरा या चटनी कुछ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे मॉर्निंग डोसों के साथ, तब तक देखते रहिएगा। ये देखिए, मैं आलू के डोसे के साथ आलू का सालन बता रही हूँ मैं।
जो आप लोग सिंपल आलू चोर रहता है ना स्टफिंग अंदर, उसके लिए बहुत से लोग अलग अलग आलू उबाल के करके करते हैं। मैं आपको आज इंस्टेंट वे में कच्चा आलू कैसे भी रेगुलर शेप्स में काटिए, आलू और ऑनियन भी ऐसी मोटी मोटी काटिए आप, थोड़ा सा करिया पक, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली, कोथमीर और ये देखिए बगार, माश की दाल, जीरा, राई और सूखे लाल मिर्च और बेसिक स्पाइसेस जाएंगे इसमें। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया अपना, तरह से दो मिनट अच्छे से क्रैकल होने देंगे बगार को। बगार क्रैकल हो गया बाद तो आगे का देखेंगे अपन। बगार में अपन थोड़े से देखिए बगार हो गया, अब हम इसमें डालेंगे आलू और प्याज। मैं डाल के बताऊंगा आपको। ये देखिए अपन आलू डाल दिए, आलू डालते ही बैक टू बैक सब स्पाइसेस डालिए, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, लिक्विड मिक्स क्योंकि थोड़ा सा भुनना है, ऑयल कम ही लगता ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने को बॉयल मैश आलू की तरह होना है, ऑयल कम ही डालिए आप लोग। देन हल्दी फॉर कलर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा तीखापन के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आप चाहे तो इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है। अभी इसमें पानी डाल के विजल लगा देंगे, इस तरह से पानी डाल के अपन विजल लगा देंगे, दो विजल्स में हो जाता आपका आलू अच्छे से मैश हो जाता, पानी सुखा के देन डिश आउट। ये देखिए अपना दोशे का बैटर माशाल्लाह रेज हो गया अच्छे से, देखिए फॉर्मेट हो गया अच्छे से। अभी आप इस तरह से अच्छा मिक्स करके आप जितना सॉल्ट चाहिए आप उतना सॉल्ट डालिए, सिर्फ सॉल्ट डालना है और कुछ नहीं, ना सोडा ना कुछ, सॉल्ट डाल के एक अच्छे सा मिक्स करके बताऊँगा मैं। देखिए अपना बैटर अच्छा सा रेज हो गया, अच्छा हो गया। अभी आप इसमें इस तरह से स्मूथ पेस्ट में अगर मिक्स कर लेके नमक डाल के रखिए और कुछ नहीं डालना है। पैन भी माशाल्लाह फुल ऑन हॉट हो गया, चेक करने का देखिए इस तरह से पानी डालो तो सूख जाना, इसका मतलब अच्छे से गर्म हो गया पैन। अभी मैं आपको डोसा डाल के बताऊँगी, कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से रखिए, ज़्यादा थिक बैटर चाहिए आपको या फिर ज़्यादा लूज़ वाला चाहिए आपके ऊपर डिपेंड रहता, आप कैसा चाहिए वैसा रखिए। इस तरह से आप डाल सकते डोसा, ये देखिए मेरा परफेक्ट डोसे रेडी हो गए। देखिए आप ब्राउनिंग कितना चाहिए रख सकती है, थोड़ा लाइट थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा डार्क, आपके हिसाब से रखिए। इस तरह से आप टेंपल के तरह भी आप फोल्ड करके सर्व कर सकते हैं, मसाला डोसा भी है, परफेक्ट क्रंच, देखिए आप क्रंच सुन सकते हैं आप, देखिए मसाला डोसा भी देखिए अभी तक भी क्रंच ही ऐसी है, देखिए बहुत टेस्टी रहता, आप लोग ट्राई करिए। इसको हम सर्व करेंगे इसके साथ हरीरा, ये देखिए हरीरा मेरा ऑलरेडी हरीरा चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं आलू, अब जो इस तरह से बना के भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैश आलू ही नहीं, इस तरह भी थोड़ा डिफरेंट रहता, बहुत टेस्टी है। ये देखिए फली की चटनी ऑलरेडी ये भी अपलोड है आपके पास, ये गन पाउडर है, इंशाल्लाह ये भी अपलोड हो जाएगा वीडियो बाय इवनिंग। प्लीज़ आप लोग अगर पसंद आ रहे वीडियोस लाइक करिए शेयर करिए, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, देखते रहिएगा फ्लेवर्स ऑफ डेक्कन। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।